दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर बताएंगे। शारदीय नवरात्रि पर 30 साल बाद बन रहे ये तीन दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं उसे महादेव जल्दी जल्दी पूरा कर दें और आपके घर में खुशहाली, सुख शांति, धन की वृद्धि हो। चलिए अब आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि पर 30 साल बाद बन रहे ये तीन दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। हर साल पितृमावस्या के बाद आश्विन माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इनमें माता के नौ स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से होने जा रही है। 9 दिनों बाद 24 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। इस बार नवरात्रि पर तीन ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो बेहद शुभ होंगे। यह योग 30 साल बाद बनने जा रहे हैं। माता के 9 दिनों तक व्रत और पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी संकटों को खत्म होने के साथ ही धन का आगमन होगा। विशेष रूप से यह समय कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी और फलदायक होगा। आइए जानते हैं नवरात्रि पर बने तीन दुर्लभ संयोग और किन राशियों की चमकेगी किस्मत। शारदीय नवरात्रि पर 30 साल बाद बन रहे दुर्लभ संयोग। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृ अमावस्या के बाद 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि की यह शुरुआत सूर्य और बुध द्वारा बनाए गए बुधादित्य योग में होने जा रही है। यह योग बेहद दुर्लभ है जो 30 साल बाद बनने जा रहा है। इसके साथ ही नवरात्रि पर दूसरा शश योग और तीसरा भद्र योग भी बन रहे हैं। यह बेहद ही दुर्लभ होने के साथ ही शुभ संयोग है, जिसका प्रभाव कुछ राशियों पर भी पड़ने वाला है। इन योग की मदद से राशि के जातकों को धन और यश की प्राप्ति होगी। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होने से सभी काम बनते चले जाएंगे। नवरात्रि में बन रहे शुभ संयोग में वृषभ राशि वालों को बड़ा लाभ हो सकता है। पूर्ण रूप से धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी खुद घर चलकर आएंगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन दौलत में वृद्धि होगी, व्यावसायिक रूप से तरक्की होगी, घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा, सफलता की राह में आने वाली सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। इस दौरान जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलना तय है। साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कर्क राशि वालों को शारदीय नवरात्रि में बन रहे शुभ योग का लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी इस राह में आ रही समस्या दूर हो जाएगी। अच्छी नौकरी के साथ विदेश जाने के रास्ते बन जाएंगे। पिछले समय से चली आ रही धन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं जो जीवन भर लाभ दे सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में तुला राशि वालों के लिए बेहद सुखदायक संयोग बन रहे हैं। यह वह समय है जब तुला राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। उन्हें कार्यस्थल से धन बढ़ोतरी के साथ ही खूब मान सम्मान मिलेगा। पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ जीवन में चल रही
सभी परेशानियों का हाल आसानी से मिल जाएगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। पिछले काफी समय से नौकरी तलाश रहे लोगों की यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नौकरी के साथ ही कुछ लोग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से जीवन में चल रहे संकट और कष्ट खत्म होंगे। धन की आवक बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए यह अवधि मिश्रित फलदायी रहेगी। माता रानी सलाह दे रही हैं कि कुछ कार्य आपको ध्यान और सावधानी के साथ करने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेशी कंपनी में काम करने वाले या विदेशी लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे और भविष्य में इससे अच्छा लाभ भी होगा। हालांकि अपने खर्चों पर ध्यान रखें, अन्यथा वित्तीय स्थिति खराब हो सकता है। माता रानी की कृपा से आध्यात्मिकता के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और सामाजिक संबंधों में भी इजाफा होगा। कर्क राशि वालों को मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और उनके काफी दिनों से चले आ रहे अटके कार्य पूरे होंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर रहेंगे और वे हमेशा मदद के लिए तैयार भी रहेंगे। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो माता की कृपा से आपकी इच्छा पूरी होगी। हालांकि आपको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। आसपास का तनाव और नकारात्मक प्रभाव आपके काम की गुणवत्ता और परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए अपने कार्य को सही तरह से पूरा करें। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए यह उपाय अच्छे लगे हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों साथ में शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं जल्दी जल्दी महादेव उसे पूरा कर दें और आपके घर को खुशियों से भर। दिन घर में धन धन की वृद्धि करते हैं। धन्यवाद।